हेलो गाइस, हाँ मैं राज, आपका स्वागत है आपके चैनल ETC वर्ल्ड में। फाइनली जो है अब जो है आप जो लोग कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरे थे एक या दो विषय के लिए, मैट्रिक हो या चाहे इंटर, सबको पास कर दिया गया। खुशखबरी है आप लोगों के लिए, देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अभी अभी जो है जारी किया गया बिहार बोर्ड की ओर से। हालांकि इससे पहले अभी कुछ देर पहले मैंने वीडियो अपलोड किया, लेकिन मैंने उसमें धरफड़ में मैंने बहुत कुछ नहीं बताया है। आइए अब इस वीडियो में आपको क्लियर करके बताते हैं। लेकिन क्लियर करने से पहले अगर आपने चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इस तरह की अपडेट पाने के लिए। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े जाकर जुड़े, क्योंकि मैंने उसमें 20 मिनट पहले ही अपडेट कर दिया है कि ये वाला नोटिफिकेशन, तो आप उसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके पढ़ लीजिएगा। आइए आपको समझाते हैं मैट्रिक हो चाहे इंटर। अब वो लोग अब जो लोग इंटरमेडिएशन लेना चाह रहे थे, आपको पता ही है कल यानी कि 19/6/2021 से इंटरमेडिएशन लेना शुरू हो जाएगा। इसी केस में क्या किया बिहार बोर्ड ने, अपना दिमाग लगाया और सभी बच्चे को पास कर दिया ग्रेस मार्क्स देकर। आइए हम इसको अब बताते हैं, लेकिन बताने से पहले चैनल को वीडियो को देखने, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो लोग कंपार्टमेंटल परीक्षा यानी कि आपको पता था कंपार्टमेंटल का एग्जाम होता है फॉर्म भराने के बाद, लेकिन इस बार फिर से ग्रेस मार्क देकर सबको पास कर दिया गया है। आइए इसको हम थोड़ा सा विशेष में जानकारी इसको पढ़ के बताते हैं। देखिए ऊपर पर लिखा हुआ है बिहार बोर्ड, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ऊपर पर लिखा हुआ है, यहाँ पे बिहार बोर्ड लिखा हुआ है परीक्षा समिति। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़कर आपको बताते हैं। यहाँ पर लिखा है विजय कुमार चौधरी मंत्री शिक्षा विभाग ने आज दिनांक 18/6/2021 को बताया कि बिहार विद्यालय समिति द्वारा इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा 2021 की परीक्षा संपन्न कराकर परीक्षा प्रकाशित किया जा चुका है। तो ये नोटिफिकेशन मैंने पहले ही पढ़ दिया इससे पहले वाले वीडियो में। इसका वीडियो का लिंक जो है, जो वीडियो मैंने इससे पहले बनाया है उसका मैंने एंड स्क्रीन में लगा दूंगा। मैं आपको इसमें समझाने वाला हूँ ये कि ये देखिए आप ही लोग, आप लोगों को बार बार कमेंट आ रहा था हमें कि कितना नंबर मार्क्स दिया जाएगा ग्रेस मार्क्स, तो कहना मुश्किल है। ये हम कल ही 5 बजे जो रिजल्ट घोषित होगा उस समय देख लेंगे। दूसरी बात, आप लोग का कमेंट ये भी आ रहा था कि क्या जो लोग फॉर्म भरे थे कंपार्टमेंटल का उसको ही पास किया जाएगा या फिर जो लोग नहीं भरे थे उनको ही पास किया जाए। तो सुन लीजिए, जो लोग कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरे थे उन लोग को ही ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। अदरवाइज जो भी छात्र कंपार्टमेंटल का फॉर्म नहीं भर पाए थे, मैट्रिक हो चाहे इंटर, उनको जो है पास नहीं किया जाएगा। ऐसा था और चला इसको हम जो है एक चीज़ जो है जो हम इसको आपको बारीकी से पढ़कर सुना देते हैं, जो कि बिल्कुल जेन्युइन है और आपको पढ़ना। देखिए यहाँ पे जो है जो कि मेन चीज़ है, यहाँ पे देखिए आपको हम पढ़कर सुनाते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखा है इस क्रम में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इस क्रम में, यहाँ पे इस क्रम में मंत्री शिक्षा विभाग ने घोषणा किया कि इस निर्णय के तहत अतिरिक्त ग्रेस से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को परीक्षा फल तैयार कर लिया गया है, जो समिति के वेबसाइट पर यहाँ पे देखते हैं result.biharonlineboardonline.com पर दिनांक 19/6 को अपराह्न यानी कि शाम के 5 बजे जो है उपलब्ध रहेगा, जिस पर विद्यार्थी अपना रिजल्ट देख सकेंगे। इस अवसर पर संजय कुमार अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, आनंद किशोर अध्यक्ष बिहार बोर्ड बिहार परीक्षा समिति भी उपलब्ध थे। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे तो आपको पता है कंपार्टमेंटल का जो लोग फॉर्म भरे थे उनको पास कर दिया गया है। आप लोग का क्या क्वेश्चन रहता है, क्योंकि आप जो लोग कंपार्टमेंटल में पास होंगे वो कल से एडमिशन भी ले पाएंगे अपने इंटर में। तो अब देखिए क्या होता है, क्या आप भी कंपार्टमेंट का फॉर्म भरते हैं, कमेंट के जरूर बताइएगा। आपका किसी तरह का क्वेश्चन है आप कमेंट करके मुझे बात पूछिए, हम आपको कमेंट में ही रिप्लाई करेंगे, कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन जो विद्यार्थी कंपार्टमेंट का फॉर्म भरते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी है कि वो लोग को बिना एग्जाम के पास कर दिया गया है। आप लोग का बराबर क्वेश्चन रह रहा था मेरे पास कि क्या एग्जाम लेगा या नहीं लेगा या फिर क्या करेगा, लेकिन फाइनली जो है बिहार बोर्ड जो पिछले साल जैसा किया था ग्रेस मार्क्स देकर पास किया था, इस साल भी पास कर दिया गया है। तो आप लोग के लिए अच्छी खबर है और अच्छी पहल है बिहार बोर्ड की ओर से। आप लोग अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, कल एडमिशन होना शुरू हो जाएगा इंटरमीडिएट में ऑनलाइन। तो आप लोग भी अब कल जैसे ही 5 बजे रिजल्ट आता है हम उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाएंगे। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही रिजल्ट आएगा हम वीडियो बनाएंगे और आप उस पर चेक कर पाएंगे। अभी तक अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं जाके जुड़ जाइए, उसका भी लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप बिल्कुल जुड़ जाएँ। अदरवाइज इसके ऊपर रिगार्डिंग मैंने सारा विज्ञापन को पढ़ दिया है, आप जाके देख लीजिए, कुछ ही देर पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, लव यू। Oh, 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 oh